ये बिल्ली नहीं है, बिल्ली तक कीजिए ये तरीका वारदात है, इसलिए मैं ये बिल्ली शुरू में इनकी मार दूं। हाँ हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह नैनी में सही वो तुसा हसदे हो और के करिए पुट्ठा लटक जाइए तकड़ा भी सवाब दे कमले हो तू यार के कह रहे हो वाह बिस्मिल्लाह कर बिल्ली नु तकड़ा भी सवाब दे आए सदके ओ चलो ये बहस लम्मी है बिल्ली वेखी है ना कदे आगे भी टोरो ना इस बिल्ली दे चारे बन्नो पैर तलेव जो आसमान ते मैं पागल वागल हूँ तो आसमान की चोटी तो इनू सट्टो थले बिल्ली नू एदी कंड नहीं लगेगी लेकिन एक सेकंड पैर बद्दे भी होण ना थले गिरेगी तो पैर ना ऐ नवा भी मार्केट च आ गया जी पता है क्यों क्यों ये मौला अली गुजर रहे थे जंगल में सर कहानी जे जंगल में लग गई थी आग आग ओ हो हो एक सांप ने आकर अर्ज की कोई मुश्किल कुछ आए तो मेरी मुश्किल से हाल कर झूठ उलमा के लिए बोलना कोई मसला नहीं है हकीकत बात है इनके बाएं हाथ का बल्कि बाएं हाथ की भी छोटी उंगली का खेल है जनाब ने उन्होंने बड़े बड़े कफ जनाब ने अच्छे भी सांप को पाल रहा था सांप को पाल रहा था बिल्ली सी तो बिल्ली नू आपने अच्छे मुंडे दे कंधे ते ठा लिया खुदा के लिए यार तुरी जावन कोड़े दे अगर जंगल उबूर करवा के मौला पाक ने फरमाया चल भाई तू ही निकल तो बिल्ली तू ही जा तू मेरा पुत्र छुट्टी का जा उसा क्या मैंने तो नहीं निकलना जब तक काट ना हाय 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 सदके सपा दे पुत मित नहीं बन गई कोई समझ आई है गल नहीं आप कहते हैं सुभान अल्लाह हालांकि आप कहना चाहिए लानतुल्लाह जेड़े मुड़ कदीम दे खेड़े होवन कदी न थींदे रांझे हो जनाब ने फरमाया निकल बाहर उस जगह में जनाब जब तक कटना न लवा मैं बाहर आवना को आप न तमा निकला अल्लाह ताला हमारी अवामु नास को हदायत दे अकल के नाखून ले आपने फरमाया निकला बाहर आज आने के नहीं मैं जरूर लड़ाने उनके मदद से कौन झूठ बोलो और बोलो हाँ जितना मर्जी बोलो समझ में आई आपने फरमाया चल निकल मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ आप जी घर में करते सन बिल्ली बोल गई बिल्ली आके आप मौला के इजाजत दियो ते दिल तो हाथ ना कर ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਬਾਗ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਮਾਰਦੇ सब कुछ कहानी इन्होंने मशहूर की हुई है इस तरह तो मेरे भाई दुनिया का निजाम नहीं चलता ये बिल्कुल फ्रॉड के ऊपर मबनी है अल्लाह हू अकबर कबीरा उसने कहा मैं तो बात करती हूँ उसने कहा तेरा मैं मुंह चुमना चाहती हूँ जो शेर खुदा बड़े बड़े मुंह तो बाहर कटना मुंह तो मैं खकी हो जा मुंह जो शेर खुदा को काटे बड़ा 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 मस्ती में आया उसने कहा मेरी लोगों ने ज्यारत शुरू कर दी थी करने मुंह ने बाहर कटे बिल्ली ने मारे जनाब है करके ना पहुंचा उठ ले बाहर मौला अली ने बिल्ली को फरमाया था आपने उसकी फिट करा इससे पहले बिल्ली की पीठ लगती थी पर जब आज अली ने घेरा ना तो उन जहाज तो सबको तो कंड नहीं लगती और अभी तो रुको कुछ लोग कहते हैं कि ये जो उल्लू है इसको दिन को नजर नहीं आता तो इसने वाकई करबला देखा था तो इसलिए इसको जो है ना दिन को नजर नहीं आता रात को नजर आता है तो ये उस वजह से इसकी जो है ना वो आंखों में मसला बना हुआ है ऐसी कोई है हकायत या ऐसी कोई बात है कि जो उल्लू की ये जो इसको दिन को नजर नहीं आता तो इसके बारे में बराए करम जो है ना वो शरी रहनुमाई फरमाए कोई ऐसी हकायत पढ़ी नहीं है ना सुनी है उल्लू सोता है तो एक आंख खुली रखता है बात सही है एक आंख बंद करके सोता है ये पढ़ा है क्या दिन को वाकई उसको नजर नहीं आता उल्लू वो तो चमगादड़ परिंदा है बहुत कम तादाद में होता है अबे साले उसको दिन को नजर नहीं आता और रात को वो उड़ते हैं दिन को लटके रहते हैं तो खुदा का वात है साड़ी जान छाड़ दो कुछ जी चार दिन जिंदगी बची है नैन असि थानू बेड़ा के थानू बदवावा दे के थोड़ी जान काट छड़ी ये है तो क्या ये क्या ऐसा जानवर है जिसे अमूमन किसी को मतलब को
कमजोरी की तरफ किसी को कर दो उसको उल्लू की तरह मंसूब किया जाता है। तो उल्लू ऐसा क्या परिंदा है? उल्लू है बेचारा बदनाम परिंदा। इसके ताल्लुक से फतेह रजविया शरीफ से निकल आया कुछ अभी बजा आएगा ना भिड़ो जिल्द 20। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं उल्लू खाने वाला आदमी से उल्लू होकर रह जाता है। अरे इनके गोश्त की तासीर जो है वो इसके अंदर अपना दिखाती है सर। बढ़िया था।